स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ये है आफ्टर रिजल्ट। आफ्टर रिजल्ट हेयर एक्सटेंशन अच्छे से लग गई है, ये देखो कहीं से भी पता नहीं लग रहा है। ये कुछ भी करें कोई हेयर एक्सटेंशन नहीं दिखेगी इनकी। और इनफैक्ट अगर ये फ्रंट को भी करते हैं स्टिल इनका कोई भी हेयर एक्सटेंशन नहीं शो होता है। अगर ये कभी ऐसे फ्रंट को भी करें तो भी कोई एक्सटेंशन नहीं शो होती है, ठीक है। और अभी मैं इनका मैम का फ्रंट लुक दिखाती हूँ। तो ये मैम का फ्रंट लुक है, आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब मर्ज्ड है, मतलब पता नहीं लगता है कहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट है। बट अभी मैम के काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं इन्होंने वॉल्यूम लिया, थोड़ा कम लिया है, वैसे जनरली ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो वैसे मैम हमारे पुराने क्लाइंट है जो बीच में एक दो बारी कहीं और चले गए थे बट फिर से आ गए क्योंकि ये ऑब्वियसली हर कोई हर जगह एक्सपेरिमेंट करने जाता है कि उनको शायद बेटर डील मिल जाए। बट क्वालिटी के लिए तो आई एम वेरी श्योर कि आपको हमारी क्वालिटी जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिल सकती है। और ये मैम ने खुद एक्सपीरियंस करा है, हमारे और भी बहुत सारे क्लाइंट्स एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज़, बट मैम थोड़े शाय है तो वो कहते हैं मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो मैम से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको मतलब कैसा हमारा रिजल्ट कैसे लगता है। आप इतनी बारी मतलब कहीं और से भी एक दो बारी करवा चुके हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा बस आप यही बताइए कि आपने इनका मैम का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं दिल्ली से भी कराया काम, मुझे कहीं पसंद नहीं आया, मैं घूम फिर के फिर यहीं पर आ गई दोबारा से। चलो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि मैम एक उन क्लाइंट में से है जिनसे हम लोग कई बार हो जाता है कि काम करते करते पर्सनली भी अटैच हो जाते हैं, तो मैम उनमें से एक है। तो मैं भी खुश हूँ कि चलो ये दोबारा आ गए हैं। तो मतलब नॉट प्रोफेशनली, चलो वैसे भी हो जाता है कि हम लोग काफ़ी मतलब होता है कि जितनी देर साथ रहते हैं तो जो पॉजिटिव लोग आते हैं अगर तो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। तो मैम काफ़ी पॉजिटिव है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं भी खुश हूँ कि चलो मैम आ गए और इनको पता भी लग गया कि बाकी जगह पे कैसे एक्सटेंशंस होते हैं और क्या इनका मतलब एक्सपीरियंस रहता है। ऑब्वियसली इनके रिमूव जल्दी हो गए थे और हेयर क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आई एम हैप्पी मैम।